आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज कोलिजन। नाउ व्हाट इज कोलिजन? सबसे पहली बात होती है, कोलिजन होता क्या है? सो वी कैन राइट, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम if two bodies or you can write two or more bodies, you can also write two or if two or more bodies collide with each other and exert forces on each other are called collision। ठीक है, तो अगर कोई भी दो बॉडीज, कुछ इस तरीके से आप मान लीजिए कि इफ देयर आर टू बॉडीज और लेट से ए एंड बी, अगर हम मान लेते हैं कि लेट से दिस इज ए एंड लेट से दिस इज बी, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इफ दे कोलाइड विद ईच अदर एंड दे एग्जर्ट सम फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, कुछ फोर्स लगाते हैं, लेट से एफ ए बी एंड एफ बी ए, ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं, तो इस पूरे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? कोलिशन कहते हैं। तो दिस इज एन इवेंट इन विच द टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर एंड एग्जर्ट सम फोर्स ऑन ईच अदर आर नोन एज कोलिशन। इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिशन बोलेंगे। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही बॉडीज हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, डिपेंड्स कि कोलिजन जो है वो कितनी बॉडीज के बीच में हो रहा है। तो कम से कम कोलिजन होने के लिए दो बॉडीज की तो जरूरत है ही है, इससे ज्यादा की भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोलिजन। और टाइप ऑफ कोलिजन में सबसे पहला कोलिजन आता है, नंबर वन इज इलास्टिक कोलिजन। देखिए, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वड रहती है, ठीक है। सो इन दिस कोलिजन यू कैन राइट, इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। Then such type of collisions are known as such type of collision is known as elastic collision. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? इलास्टिक कोलिजन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि इस टाइप के कोलिजन कहां होते हैं, सो कोलिजन बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको हम
इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो कोलिजन होगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होगा वो एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक है, तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन के अंदर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद अगला जो आता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of elastic collision. So characteristics of elastic collision की अगर हम बात करें तो characteristics of elastic collision में सबसे पहला आता है, number one is linear momentum is conserved. Linear momentum is conserved. What does it mean? इसका मतलब यह है कि जब भी कभी दो बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी तो उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि देयर विल बी नो लॉस इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, ये तो ऑलरेडी नोन है, इज ऑल्सो कंजर्व। ठीक है, थर्ड आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, इज ऑल्सो कंजर्व, एंड फोर्थ इज द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड during collision are conservative forces, यानी कि जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे ड्यूरिंग कोलिजन तो वो जो फोर्सेज होंगी वो कंजर्वेटिव नेचर की होंगी, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगी। नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेज? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होती है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द फोर्स। ठीक है, पाथ जो फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इस टाइप की फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरीके से सेकंड आ जाता है हमारे पास, ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन इलास्टिक कोलिजन कौन से होंगे? सो इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। Now this is very important that kinetic energy is not conserved in case of inelastic collision. ठीक है, और example के तौर पर आप लिख सकते हैं कि every day जितने भी collision हो रहे हैं हमारे road पर, दो कार एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो भी collision हो रहा है, then such type of collision is known as inelastic collision. एक ball को आपने एक height से drop किया, फ्लोर से जाके वो टकराएगा, देन दैट इज ऑल्सो केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो वो भी एक इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो ऑल डे टू डे लाइफ, हम यहां लिख सकते हैं ऑल डे टू डे कोलिजन्स आर इन इलास्टिक।
आर इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहां पे लिख सकते हैं। अगेन वी हैव टू राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगेन वी हैव टू राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ओके, लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन। अगेन लीनियर मोमेंटम इज कंसर्न, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी इनइलास्टिक के केस में भी लीनियर मोमेंटम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ये ध्यान रखेंगे, इज नॉट कंजर्व्ड। थर्ड आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज conserved, and fourth is the forces involved during collision are non-conservative फोर्स। ठीक है, तो जनरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, इट मे बी कंजर्वेटिव ऑल्सो, बट मैक्सिमम जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है। ठीक है, तो ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, द फोर्सेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज coefficient of restitution slash resilience, एक ही बात, coefficient of restitution कहिए या इसको resilience कहिए, एक ही बात, इसको small e से represent करते हैं। ठीक है, now क्या चीज है, कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो पहले एक केस अज्यूम करते हैं कि लेट्स से ये आपके पास कोई दो बॉल्स है, लेट देम कोलाइड एंड आफ्टर दैट दे कोलाइड विद ईच अदर, लेट्स से लेट देम कोलाइड and after some time they start moving with their certain velocity in a certain direction. Support direction de dete, so let's say this is moving in this direction, this is also moving in this direction, theek hai, this is also moving in this direction and this body is also moving in the same direction. Okay, so let's say this is A body, let's say this is B body,
initially the A body is moving with the velocity u1 and B body is moving with the velocity u2. Let's say this is m1, this is m2, such that u1 is greater than u2. And this is the case of before collision. We can write before collision. ठीक है, तो ये जो केस है ये किसका है, ये है आपका बिफोर कोलिजन का केस। नाउ लेट देम कोलाइड। अब ऑब्वियस सी बात है, u1 की वैल्यू u2 से बड़ी होगी तभी a जो है वो b से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, सो दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, वी कैन राइट ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, एंड फाइनली वी कैन राइट, लेट्स से दिस इज ए बॉडी, दिस इज अगेन बी बॉडी। ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v1, इट विल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v2। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू such that v2 is greater than v1, and you may write after collision. After collision. तो देखिए coefficient of restitution क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का कुछ एक event चल रहा है, such that आप यहां पे देख सकते हैं कि there are three events are going on, एक बिफोर कोलिजन चल रहा है, एक ड्यूरिंग कोलिजन है और एक आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियली द u1 इज हैविंग हायर वेलोसिटी, यानी m1 के पास हायर वेलोसिटी था। ठीक है, u1 इज ग्रेटर देन u2। फिर उसके बाद जब ये कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद आफ्टर कोलिजन a की वेलोसिटी कम हो गई लेकिन b की वेलोसिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है कि e इज डिफाइंड एज, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो e को इसको डिफाइन किया है, दैट इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी of two bodies after collision, or you may write separation. To the relative velocity of two bodies before collision, or you may write approach. इसका मतलब क्या है, दैट ई इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर सेपरेशन divided by relative velocity of two bodies before collision, or you may write approach. You may write approach also. So E is equal to relative velocity after separation. अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा relative velocity, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे,
एंड डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन, तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट यू वन माइनस यू टू। ठीक है, तो ये जो E की वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब हमें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर E की वैल्यू लेट से 1 है, सो डेफिनेटली इट्स अ केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, वो एक इलास्टिक कोलिजन का केस हो। अगर मान लीजिए E की वैल्यू जो है वो 0 है, तो वो एक इन इलास्टिक कोलिजन हो। मान लीजिए अगर E की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो सुपर इलास्टिक कोलिजन है, सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और अगर E की वैल्यू जो है, E की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, तो वो अदर कोलिजन्स में जाएगा। और जनरली वैल्यू जो है वो वेरी करेगी आपकी 0 से लेकर 1 के बीच, तो मैक्सिमम 1 जा सकता है, मिनिमम 0 जा सकता है, और सुपर इलास्टिक कोलिजन बहुत रेयर है। ठीक है, तो इसीलिए वैल्यू जो है वो इन बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में ही आपको मिलेगी। तो E की वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज कोई दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है, so how you will identify whether the collision is elastic or not, वो इलास्टिक है या inelastic collision है, उसको पता करने के लिए हमें E की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बताइए, एनी डाउट? अंशिका, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, एक कंप्लीट डेरिवेशन है, इट्स अ वेरी बिग डेरिवेशन, और उसको करेंगे। मेन वाइल आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए, कोलिजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या होता है, क्योंकि उन्हीं की प्रॉपर्टीज का यूज किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई हैं उनका यूज करके ही हमने आगे आइडेंटिफाई किए। ठीक है, तो डेरिवेशंस भी उनके बेसिस पर होंगे, तो मेक श्योर कि आप उसको एक बार डेफिनेटली अच्छी तरीके से करें। ठीक है।